मुर्गा देखें सबसे बेहतरीन लग रहा है, और इसकी पूंछ वगैरह भी, और जो इसका जिस स्टाइल में ये खड़ा हुआ है, इसकी चोंच देखें खड़े होने का अंदाज़। ये भाई का मुर्गा है, किसमें जावा में आएगा ये? जावा में। क्या मांग रहे हैं भाई इसके? कोई पता नहीं किसका है। मुर्गी है, मुर्गी है। क्या मांग रहे हो उसके? 1500। सबसे पहला मुर्गा यहाँ पे आ जा। ये भी पट्टा है, ये पट्टा है, ब्लैक कलर। इसके क्या मांग रहे भाई? 2000 रुपये। ये यहाँ पे मुर्गा है, ये कौन सी नस्ल में आएगा यार भाई? देसी है, कड़कनाथ। क्या मांगने जाते इसके? 6500। वेलकम बैक गाइज। आज हम जा रहे हैं, अब इस टाइम सुबह का टाइम है, सुबह का तो नहीं एक्चुअली दोपहर है, और मौसम काफ़ी अच्छा है आज, तो संडे मार्केट चलते हैं और देखते हैं मुर्गे कैसे हैं आज, और साथ के साथ अगली वीडियो में बकरा मंडी भी कवर करेंगे। तो खैर अब हम पहुंच चुके हैं मार्केट, और मैंने का रास्ता दिखा दूँ यहाँ से, ये इधर लाल किले वाली रोड है, इससे आप ये साइड में सर्विस लेन से आओगे और इधर एंटर होगे इस वाली पट्टी वाली गली में, तो यहाँ से मार्केट शुरू होती है। सबसे पहला मुर्गा यहाँ पे भाई क्या मांग रहे हैं इसका? जी देखिए ये पीछे खड़ा है, पता नहीं किसका है। ये किसका भाई आपका? क्या मांग रहे हैं भाई इसका? 5000। ये है कड़कनाथ। क्या मांगने जाते हैं इसके? 6500। इसके मुर्गी के ये जो खड़ा है इधर पीछे वाले, ये नूरी है, इसका क्या मांग रहे हैं? 3000। बाकी ये देसी वगैरह हैं, अरे ये मुर्गी बहुत खूबसूरत है भाई, इसको एक बार ऊपर बिठा के दिखाओगे? लो भैया ऊपर बिठा दो इसे। लो मुर्गी है, मुर्गा ये। क्या मांग रहे हो उसके? 1500। जावा में आएगा ना ये? हाँ उस्ताद, जावा में आएगा ये? ये जावा में आएगा 1500। ये 3 मुर्गियाँ भाई के पास। भाई क्या क्या रेट की हैं ये? ये 2500-2500 की बोल दो। एक बार तीनों अलग अलग करके दिखा देंगे। और क्या उम्र की हैं ये अभी? ये 7 महीने की भाई तीनों। हाँ एक बार आग दिखा दिए बस इसकी, अरे पकड़ लो भाई। 2500-2500 रुपये की थी। यहाँ पे ये देसी हैं, क्या मांग रहे हैं भाई इनका? क्या मांग रहे हैं जी? 800 रुपये। और इसके? इसके भी 800। ये असील है, ये असील। ठीक है, 3 मुर्गी हैं, लेकिन मुर्गी बहुत अच्छी है। ये क्या उम्र की है भाई? ये 1.5 साल की है। 1.5 साल की। इसके क्या मांग रहे हैं? 3000 रुपये। शकल मत देना भाई। इस वाली की? इसके भी 3 है। इसकी ये बिकाऊ नहीं है भाई। अच्छा ये बिकाऊ नहीं है। ये दोनों मुर्गी हैं, और ये किस नस्ल में आएंगी? ऐसे ये असील में है, बादामी कलर की। बादामी कलर। और वो जो पीछे है ये पट्टी है, भी पट्टा है, ये पट्टा है, ब्लैक कलर का। इसके क्या मांग रहे हैं भाई? 2000 रुपये। ठीक है भाई, फैंसी कबूतर हैं भाई के पास। ये वाले कौन से कहलाएंगे? नकाब पोश। नकाब पोश का जोड़ा है। इसके क्या रेट है? 4000। ये शिराजी है जी। ये लखा है, 2 मुखी है जी। लखा के क्या मांग रहे हैं? 1000। और मुखी के जोड़े के? 2000। और शिराजी? 12। ये कौन से हैं भाई? ये भाई छाने हैं, बोला हूँ मैं। 1000 रुपये पर के साथ? ये 1000। 1000 रुपये पर के सारे होंगे। ये यहाँ पे मुर्गा है, ये कौन सी नस्ल में आएगा यार भाई? देसी है, जावा के परों में है।
क्या है साफ कर दियो गंदगी शाम तक। क्या मांग रहे हो भाई इसके? क्या मांग रहे हो? 600। छोटा सा मुर्गा ऐसे दिखाओ, ऐसे इस तरफ से घुमा के, इधर से ताज गिर रहा है ना, शक्ल नहीं दिख रही। कितने पैसे मांग रहे हैं? कितने बड़े बड़े तो कांटे हो रहा है, 150 रुपये ले लो, 200 रुपये हो गया यार। मार्केट आज हल्की है, पता नहीं क्या बात है, जबकि मौसम भी सही है। शायद ईद की वजह से लोग लाए नहीं हैं, क्योंकि बकरा मंडी भी लगती है, इस वजह से शायद लोग नहीं लाए हैं, पर देखते हैं और जितना कवर होता है क्या क्या दिखता है। मुर्गा देखें, सबसे बेहतरीन लग रहा है, और इसकी पूंछ वगैरह भी, और जो इसका जिस स्टाइल में ये खड़ा हुआ है, इसकी चोंच देखें, खड़े होने का अंदाज देखें इसकी। भाई इसके क्या मांग रहे हैं? 5000 रुपये मांग रहे हैं इसके मुर्गे के, और इसकी पूंछ वगैरह देखें। काबली कबूतर हैं भाई के, काबलियों में आएंगे ना कल से, सहारनपुरी कल से रे कल तुम्हें। बहुत अच्छे कबूतर हैं, जैसे मेरा वाला आप लोगों ने देखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही क्वालिटी में है ये। भाई क्या रुपये साहब, क्या रुपये पर के? 6000 रुपये जोड़ा। बार्गेनिंग हो जाएगी। अच्छा, और ये जो है ये किसी और के? अच्छा, आपके ये हैं, ये सब आपके घर के निकले हुए हैं? सब टोटली सहारनपुरी सेल परचेज। अच्छा, आप अपना नंबर बता देंगे? 9136 9136 33 33 2637 2637। अगर किसी को सहारनपुरी चाहिए हो, उस भाई का काम है इसका, इससे भी अच्छे जोड़े मिल जाएंगे, इससे भी अच्छे जोड़े मिल जाएंगे। ये तो मार्केट के हिसाब से आप निकाल के लाए होंगे, ये भी अच्छे ही है जोड़े, और इससे भी अच्छे मिल जाएंगे, ब्रीडर मतलब प्राइस बढ़ जाएंगे। जी जी जी, ठीक है भाई, शुक्रिया। ये भाई का मुर्गा है, किसमें? जावा में आएगा ये? जावा में। क्या मांग रहे हैं भाई इसके? 1500 रुपये मांग रहे हैं भाई। ये किसमें आएगा भाई? मैं भाई के नाम करेले करेले करेले। इसका क्या मांग रहे हैं आप? 2800 रुपये मांग रहे हैं भाई इस मुर्गे का। इसका कीमत बनाना भाई, इसकी नहीं बनाना भाई, ना आ रहे बना भाई। इसमें देखें मैगपाई भी है, मैगपाई का जोड़ा है, ये देख लो भाई, 300 का लगा लो, का सौदा भी हो रहा है। मैगपाई के जोड़े क्या मांग रहे हैं भाई? भाई 3000 रुपये। 3000 रुपये जोड़े के। यहाँ पे भाई के पास बकरे हैं दो। भाई ये कौन सी नस्ल का? ये वाला मद्रासी। और ये इसके क्या मांग रहे हैं भाई? भाई से 3500 रुपये। ये बच्चा है अभी, इसके तो बाल काट रखे होंगे, काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। और नहीं भाई, तेरे नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे। और बड़े नहीं होंगे नहीं भाई। अच्छा, इसके कितने मांग रहे हैं आप? 3500 रुपये। और उसके भाई? 15000। वो दो दांत हो चुका है, दो दांत है। ये अभी कितने महीने का होगा? ये भाई 3 महीने का है। और बजरी भी दिखा दी आप, इनके क्या मांग रहे हैं भाई? 400 रुपये मांग रहे हैं। 400 रुपये। और भाई बता रहे थे आपका तोतों का काम है। जी जी। कौन सी ब्रीड है आपके पास? मैरून मकाओ है, फ्रेगंगीर है, काकाटू है, संगमूर है, पाइन एप्पल है, ग्रीन चिक, सारी वरायटी मिल जाएंगी। अच्छा, तो आप अपना नंबर दे दिए एक बार। 7838445023। और अपना नाम भी बता दिए साथ में। भाई जैन मलिक है। हाँ। मेरे आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, मेरे खुल जाएगी वेबसाइट, खुल जाएगी। ठीक है भाई, शुक्रिया। किस नाम से? मतलब आपका जैन मलिक के नाम? जी, जैन मलिक के नाम से ही। ठीक है भाई, शुक्रिया। पूरे वर्ल्ड में आने जैन मलिक के नाम। तो भाई हमने जितना शूट कर सकते थे कर लिया। कबूतरों वाले सेक्शन में मैं ज़्यादा गया नहीं, बस जो, क्योंकि गोला मुझे इतने पसंद नहीं है। जो अपने शौक के जानवर थे, जैसे कि जो अच्छी चीज़ें, मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग अच्छी चीज़ दिखाऊँ। ऐसे तो देसी बहुत थे, पर वो कोई इतने पसंद भी नहीं करता, ना इतनी हाई क्वालिटी के थे। देसियों में भी बहुत हाई क्वालिटी होती हैं। जो लोकल से थे, मतलब आपके वही क्रॉकलर जो कटते हैं मीट पर्पस के लिए होते हैं, उनको मैं दिखा के क्या ही करता, वो तो कसाई की दुकान पे भी आपको दिख ही जाते हैं। तो यहाँ पे शौक के जानवर देखने के लिए लोग वीडियो भी देखते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा जानवर दिखाऊँ। तो ये थे आज के जानवर। अब इंशाल्लाह शाम को बकरा मंडी आएंगे, उसकी वीडियो अलग से डालूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए एंड करते हैं इसको, आज के ब्लॉग को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।